चंदौली जिले में एक गांव ऐसा है जहां चकरोड़ की जमीन कब्जा करने वालों के सामने जिला प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि कानून को लेखपाल हर शिकायत पर कब्जा करने वालों लोगों से मिलकर फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं और फरियादी दौड़ते रहते हैं। एक ही शिकायत को कई जगहों देने के बाद भी केवल खानापूर्ति की जाती है। जिलाधिकारी को ऐसे मामलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चंदौली जिले के भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिचरण सिंह उर्फ टुनटुन सिंह बचाव में उनके पुत्र आनंद सिंह द्वारा पिता पर लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए रविवार को कहा कि विपक्षी भोला सिंह, दुर्गावती देवी तथा राकेश पांडे व सूरज पांडे द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह निराधार है, क्योंकि उनके द्वारा कराए गए एग्रीमेंट दुकान के लाइसेंस में लगाए गए हैं। हमारे बीच आधे आधे पर एग्रीमेंट कर संचालित हुआ था जो सितंबर 2025 तक मान्य है। इन सभी आधारों पर हम पुलिस व कोर्ट के शरण में जाकर संबंधित मामले में कार्रवाई की गई है। चंदौली जिले से काला चावल के बाद प्लास्टिक और सर्जिकल उत्पादों का भी निर्यात किया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग और एपीडा ने मिलकर रणनीति तैयार की है। किसानों और उद्यमियों को उत्पाद विदेश भेजने के लिए प्रशिक्षण के साथ अनुदान भी दिया जाएगा। अब कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग किसानों का चयन कर उनको निर्यात के मानकों को पूरा करने वाली सब्जियों की खेती करने, उनकी छटाई और पैकिंग आदि का प्रशिक्षण देगा। कृषि निर्यात नीति में कृषि फल सब्जी निर्यात पर 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के प्रावधान के साथ ही चंदौली को नई पहचान देने की योजना बनाई गई है। चंदौली जिले में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। जनपद के उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की रुचि विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ाने के लिए विकास खंड व जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। बच्चे क्विज में शामिल होकर व प्रदर्शनी के लिए मॉडल बनाकर अपने ज्ञान व कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अव्वल छात्र छात्राएं पुरस्कृत भी होंगी। चंदौली जिले में बाढ़, बारिश के साथ मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही है। रविवार को चंदौली स्थित पंक कमलापति त्रिपाठी संयुक्त जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ने से सभी 120 बेड फुल हो गए। टेबल और स्ट्रेचर पर मरीजों का इलाज किया गया। इनमें करीब 40 मरीज डायरिया पीड़ित थे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में इमरजेंसी में रोज 30 से ज्यादा गंभीर मरीज आ रहे हैं। इन्हें भर्ती करने के लिए रोज 17 से 18 मरीजों को इलाज पूरा हुए बिना डिस्चार्ज करना पड़ता है।